वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। मिस्कर मोबाइल की जो नई वीडियो है उसमें आप सब लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन का घंटा दिख रहा है उसको भी दबा ले, उसको ऑल पे क्लिक कर ले। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर जाए दोस्तों। और नीचे जो अगर आपको वीडियो में कुछ भी पूछना रहता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारे जो ब्लूटूथ स्पीकर आता है उसके अंदर स्विच बार बार टूट जाता है तो उसका डायरेक्ट जुगाड़ क्या हो सकता है मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा बोर्ड है जो ब्लूटूथ स्पीकर है। इसका ये बोर्ड है, ये 887 स्पीकर है। इसका जो सॉकेट है कुछ इस प्रकार से उखड़ जाता है हर बार। अब टाइट चार्जिंग लगाएंगे तो चार्जिंग का जो पिन होता है वो सॉकेट को साथ में उखाड़ के ले गया जाता है। देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से इसका प्रिंट उखड़ गया। तो मैं इसका डायरेक्ट जुगाड़ दिखाता हूँ। मेरे पास है अभी ये टेक्सिको का पिन जो डाटा केबल होता है वो वाला है। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, डायरेक्ट इसको काट देना है बीच में। सबसे पहले यहाँ से काट देना है इसको। बस आपको पता होना चाहिए कि जो पिन है यहाँ से, और यहाँ भले यहाँ से चालू नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ से अपन लोग काट रहे हैं वहाँ तक चालू होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको काट लेता हूँ यहाँ से। इसके अंदर चार तार होंगे क्योंकि ये डाटा ट्रांसफर के काम में भी आती है। टेक्सिको केबल वैसे अच्छी आती है। ये देखिए चार तार आ गए। इसके अंदर आपको दो को काट देना है, ये जो वाइट और ये ग्रीन है इसको काट देना आपको। अपने को सिर्फ दो तार चाहिए, एक रेड और ब्लैक। मैं एक बार इस केबल को चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें जो करंट है बराबर आ रहा है केबल में। तो मैं इसको डायरेक्ट ईसीजी के इसको सोल्डरिंग कर दूंगा। ये देखिए चार्जिंग सॉकेट का जैक यहाँ पे लगता है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ जहाँ पर भी ये डायोड, ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ये लाइन आपको देखनी है ये डायोड के पास कौन सी लाइन आ रही है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव जो लाल वाला जो तार है वो यहाँ पे आपको अटैच करना है। और उसके बाद आपको ग्राउंड के अंदर जो ये देखिए ये जो ये वाला जो है इसमें दो ही तार कनेक्ट होते हैं, दो ही जो पॉइंट होते हैं चार्जिंग सॉकेट के वही दो ही इसके अंदर कनेक्ट होते हैं। तो आपको पॉजिटिव वाला यहाँ पे कनेक्ट करना है जो रेड वाला है, और ब्लैक वाला आपको यहाँ पे करना है इस जगह। ब्लैक वाला जो आप बॉडी पे कहीं भी कर सकते हैं लेकिन आपको यहीं पे कर देना है, बेटर रहेगा। तो मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, उसके बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ। आपको रेड वाला यहाँ पे इस जगह सोल्डरिंग करना है। रेड को सोल्डरिंग कर दिया, मैं अभी ब्लैक वाले को कर रहा हूँ नेगेटिव। ये देखिए मैंने दोनों को सोल्डरिंग कर दिया, ये चार्जिंग चालू भी हो गया है। अब मैं इसको सेट कर लेता जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल फिट कर दिया है। और ये चार्जिंग का जो केबल है मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ से डायरेक्ट। इससे होगा ये कि जब भी आपको चार्जिंग लगाना होता है डायरेक्ट इस केबल को आपको चार्जर में लगा दीजिए। इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ से आप टूटेगा नहीं और ये लगातार चलता रहेगा। और यहाँ पर आप चाहे तो फेविक्विक लगा सकते हैं या कुछ और जुगाड़ कर दीजिए, यहाँ पर फेविक्विक लगा के इसको यहीं पर फिक्स कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।